गाइस आज मुझे मिला एक न्यू टूर्नामेंट एप्लीकेशन जहां पे मैं टूर्नामेंट्स खेलने वाला हूं एंड आप लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं फुल डिटेल्स। एंड हां, टूर्नामेंट्स खेलकर मैंने कितना अर्न किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को एप्लीकेशन के बारे में फुल जानकारी भी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड तक वॉच करने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल GMRYT यूट्यूब चैनल। तो भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो गाइस आज मैं जिस एप्लीकेशन में टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है गेमिंग ग्रिड। अब मैंने इस एप्लीकेशन में लॉगिन वगैरह कर लिया एंड आप लोगों को इस ऐप की लिंक सिंपली कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, तो उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद भाई मैंने ना इस एप्लीकेशन में लोन वुल्फ का ये वाला मैच ज्वाइन किया जिसका एंट्री फी 50 रुपीज था एंड पीपी 85 रुपीज था। तो भाई मैंने जल्दी से इस मैच को ज्वाइन कर लिया एंड ज्वाइन करने के बाद भाई मैं मैच में आ गया। अब यहाँ पे मेरा पहला राउंड स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे भाई मुझे मिला था डबल AWM। भाई अब AWM मेरे हाथ में आते ही ना मैं B2K बन जाता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अब देखो आप लोग एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे ना भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को ना रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ना उस पे क्लिक करके आप लोगों को ये सारे के सारे डिटेल्स ना फिलअप कर देने, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड उसके बाद पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके मेरा रेफरल कोड भी यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। एंड एप्लीकेशन में जैसे ही साइन अप हो जाओगे ना भाई, तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब एप्लीकेशन का होम डैशबोर्ड तो मुझे काफी तगड़ा लगा, बट उससे इंटरेस्टिंग ना मुझे ये मैच लग रहा था भाई, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ पे बंदा मुझे दिख ही नहीं रहा था, दिख रहा था तो भाई बार बार वो बंदा मुझसे छुप जा रहा था एंड भाई मैं एकदम बेताब हो गया था उसे मारने के लिए। लगातार फायर पे फायर वगैरह किए जा रहा था मैं, बट वो बंदा भाई निकलने का तो नाम ही नहीं लग रहा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके ऊपर रश करूंगा एंड मैं उसके पास ना भाई रश करने के लिए पहुंच गया एंड उसने ग्लूअल वगैरह लगाया, उसने मुझे थोड़ा डैमेज वगैरह दिया बट फिर भी भाई मैं एकदम बेताब था उस बंदे को मारने के लिए। एंड मैं तभी उससे रश कर दिया बट उसने ना भाई मुझे खत्म कर दिया भाई AWM से एंड पहला राउंड ना भाई मैं यहाँ पे हार गया। अब भाई लोग दूसरा राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं थोड़ा बच के खेलूंगा भाई, रस वगैरह नहीं करूंगा एंड उस बंदे के आने का मैं इंतजार कर रहा था एंड वो बंदा एकदम फॉर्म में आ रहा था। तभी मैं उसे एक गोली मारता हूँ, दूसरे गोली में भाई उसे पूरे तरीके से खत्म कर देता हूँ एंड सुपड़ा साफ करके मैं यहाँ पे एक राउंड जीत जाता हूँ। स्कोर यहाँ पे बराबरी का हो जाता है। अब भाई अगले राउंड में मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र मिल जाता है, ब्रह्मास्त्र लेके मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, तभी वो बंदा मुझे ना भाई पूरी तरीके से खत्म कर देता है भाई। अब इस बंदे के पास ना ट्रॉगन था भाई, और ट्रॉगन भाई समझ सकते हो तुम लोग यार मेरा दुख दर्द पीड़ा। अब भाई नेक्स्ट राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड मैं एकदम फॉर्म में जाता हूँ ब्रह्मास्त्र लेके, तभी भाई वो बंदा मुझे दूर से ही डैमेज देने लगता है एंड ट्रॉगन से इस बार फिर से वो मुझे खत्म करता है और यहाँ पे स्कोर 1-3 का हो जाता है। मतलब समझ रहे हो भाई इतनी बेइज्जती। अब तो भाई मैं पूरी तरीके से बदला लूंगा उस बंदे से। अब अगले राउंड में मेरा पारा पूरा हाई रहता है एंड मेरे हाथ में UMP रहता है एंड मैं उस बंदे के पास जाता हूँ एकदम फॉर्म में, रश कर देता हूँ उसके ऊपर एंड भाई हेडशॉट देके उसे ना यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे एक और राउंड में जीत जाता है एंड स्कोर यहाँ पे 2-3 का हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड देखते हैं भाई कैसा रहने वाला है। अब नेक्स्ट राउंड में मेरे हाथ में फिर से UMP रहता है, मैं उस बंदे से फाइट ले लेता हूँ यहाँ पे एंड भाई थोड़ा सा मैं डैमेज वगैरह भी हो जाता हूँ, बट कोई ना यार बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, बट इतनी बड़ी बात हो जाती है मेरे साथ की मुझे बहुत दुख होता है। एक राउंड और मैं यहाँ पे हार जाता हूँ और स्कोर 2-4 का हो जाता है। भाई इतनी बेइज्जती, अब तो भाई मुझसे रहा नहीं जाता। और तभी नेक्स्ट राउंड में मेरे हाथ में आ जाती है M10। अब देखो M10 यहाँ पे फायर वाली गन हो हाथ में तो भाई फायर वाली फीलिंग आती है, समझ रहे हो। मैं उस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ एकदम फायर की तरह। अब वो बंदा भाई भागता है मेरे से थोड़ा सा बच के, क्योंकि वो ना भाई काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, बट मुझे उसका लोकेशन दिख रहा था एंड मैं उसे ढूंढ के पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ। भाई कोई मौका नहीं देते भाई हम किसी भी बंदे को, समझ रहे हो। एंड स्कोर 3-4 का हो जाता है, मतलब भाई अभी भी मैं उस बंदे से ना एक राउंड पीछे था एंड मुझे कैसे भी भाई स्कोर बराबरी का करना था, बिकॉज मैं ना कभी भी अगर स्कोर पीछे रहता हूँ ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ एंड इसीलिए भाई मैं एक बार फिर से यहाँ पर रश करके उस बंदे को कोई मौका नहीं देता हूँ एंड एक बार फिर खत्म कर देता एंड स्कोर 4-4 का कर लेता हूँ। अब मैं अपने आप को ना एकदम हल्का फील कर रहा था, मतलब कोई भी स्ट्रेस वगैरह मुझे नहीं था क्योंकि स्कोर यहाँ पे 4-4 का हो चुका था एंड इस राउंड में ना मुझे थोड़ा सा संभल के खेलना था एंड मेरे हाथ में यहाँ पे आ चुका था M10। अब भाई अगला राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छुप के देख लेता हूँ भाई वो बंदा कहीं दिख तो नहीं रहा है। एंड मुझे ना इस मैच में थोड़ा आराम से खेलना था भाई, क्योंकि 85 रुपीज का सवाल था भाई, मुझे कैसे भी ये मैच जीतना था। तभी वो बंदा मेरे ऊपर पीछे से फायर करता है, मैं भी उस बंदे के ऊपर फायर करता हूँ एंड ट्रोगन से उसे खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं भूया कर लेता हूँ। मतलब भाई 85 रुपीज मैंने यहाँ पे विन कर लिया, वो भी चुटकियों में, बट वैसे मैंने मेहनत तो बहुत की, बट कोई ना यार कभी कभी ना भाई किसी चीज को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड कभी कभी थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, बट आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कर सकते हो। एप्लीकेशन न्यू है तो यहाँ पे ना भाई बंदे आप लोगों को थोड़े से वीक मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार, मतलब आप लोग ना यहाँ पे आराम से जीत सकते हो, मैं बस ऐसा बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप
लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एंड डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लोग साइन अप वगैरह कर लोगे, एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे, फ्री एंट्री, क्लैश स्क्वाड, फुल मैप, लोन वोल्फ। तो आप लोग ना भाई अगर फ्री एंट्री वाला टूर्नामेंट खेलना है तो भाई फ्री एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप लोगों को एक पर किल 2 रुपीज का मिल जाएगा। ओके, एंड वहाँ पे 2 रुपीज एंट्री फी है। नीचे ना आप लोगों को एक 0 रुपीज एंट्री फी वाला मैच मिल जाएगा। मतलब ये मैच ना टोटली फ्री है, तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एड इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को अपना डिटेल्स वगैरह डाल देना है। एंड डालने के बाद ना भाई आप लोगों को यहाँ पे सिंपली ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग सक्सेसफुली मैच में ज्वाइन हो जाओगे। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे मैच खेल सकते हो। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे 2 रुपीज एंट्री फी वाला मैच खेला है तो वो भी खेल सकते हो भाई। काफी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी आप लोगों की, मिनिमम 2 रुपीज एंट्री फी वाला। क्लैश स्क्वाड का अलग सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लैश स्क्वाड के मैचेस अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्री फायर फुल मैप का अलग सेक्शन मिल जाएगा, फुल मैप के मैचेस आप लोग वहाँ पे खेल सकते हो। लोन वुल्फ का भी आप लोगों को यहाँ पे अलग से सेक्शन मिल जाएगा, जो कि अभी के टाइम पे ना काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो भाई आप लोग इजीली ब्राउज कर सकते हो। अब आप लोगों को ना एक सोलो का सेक्शन मिलेगा भाई, तो सोलो वाले सेक्शन में क्लिक करोगे ना भाई तो यहाँ पे लोन वुल्फ, क्लैश स्क्वाड एंड टीम कोड का ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें ना भाई आप लोग खुद से मैचेस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ना भाई 1v1 लोन वुल्फ का मैच क्रिएट करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे क्रिएट कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे ना आप लोगों को नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद ना अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है। एंड विदाउट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली क्रिएट कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों का जो कॉन्टेस्ट ना वो क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद एप्लीकेशन में जो भी बंदे यूजर्स होंगे ना, जो भी, वो यहाँ से ना भाई चैलेंज एक्सेप्ट करके खेल सकते हैं भाई। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत कमीशन वगैरह मिल जाती है, तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया है। एंड आप लोग ना भाई यहाँ पे खुद से मैचेस होस्ट करके खेल सकते हो एंड खेल के भाई जीत सकते हो। तो भाई ट्राई करो एप्लीकेशन को। एंड वैसे अगर आप लोगों को एप्लीकेशन में पैसे ऐड करने हैं या फिर विड्रॉ करने हैं ना, तो भाई आप लोगों को एप्लीकेशन के होम डैशबोर्ड पे आ जाना है। भाई लोग आप लोगों को ना ऊपर एक कॉइन का आइकन देखने को मिलेगा कॉर्नर में राइट साइड, तो ऊपर क्लिक करना है। एंड अगर आप लोगों को पैसे ऐड करने हैं तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अमाउंट डालना है। एंड अमाउंट डालने के बाद ना भाई नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे यूपीआई कार्ड एंड नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। एंड आप लोगों के सामने ना भाई एक क्यूआर आ जाएगा, तो आप लोगों को इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना भाई आप लोगों को अपने किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट कर देना है। एंड पेमेंट करने के बाद ना भाई आप लोगों का जो कॉइन है ना वो आप लोगों के एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस अगर आप लोगों को एप्लीकेशन में विड्रॉ करना है ना भाई, तो आप लोगों को ना यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ना भाई यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई एंड रिडीम कोड। तो अगर आप लोगों को रिडीम कोड चाहिए तो आप लोगों को ना यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा एंड अमाउंट डालना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो रिडीम कोड है ना वो आप लोगों को ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। यूपीआई से पेमेंट चाहिए तो यूपीआई आईडी सेलेक्ट करो। एंड उसके बाद ना भाई अमाउंट वगैरह डाल के यहाँ से कंफर्म कर देना। आप लोगों का जो पैसा है ना वो सक्सेसफुली आप लोगों को यूपीआई आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर ट्राई करो, एप्लीकेशन न्यू है तो यहाँ पे ना भाई आप लोगों को अच्छे खासे ऑफर्स एंड फैसिलिटीज मिल जाएंगे, तो आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो जाकर खेलो एंड खेल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन कैसी लगी। तो भाई मिलते हैं फिर से किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।